अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है डिल्यूजन। व्हाट इज़ डिल्यूजन? डिल्यूजन क्या है और इसकी सब टाइप्स कौन कौन सी है? डिल्यूजन क्या होते हैं? फिक्स बिलीफ होते हैं जिन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और इनको शेक नहीं किया जा सकता। अब इसकी सब टाइप कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस समझता है, कि बहुत ज़्यादा शक्की होता है, वो खुद पर शक करता है। इसके बाद वो सोचता है कि कोई मेरे अगेंस्ट है, कोई मुझे मारना चाहता है या फिर कोई मेरा पीछा कर रहा है। दूसरी टाइप है डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियर। इसमें पर्सन अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझता है, बहुत दुनिया का ताकतवर इंसान समझता है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो समझता है कि मेरे पास पास कुछ ऐसी खास ताकत है जो मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बाद में तीसरे नंबर पर एरोटोमैनिया डिल्यूजन। एरोटोमैनिया डिल्यूजन के अंदर पर्सन ये परसीव करता है कि कोई खास पर्सनैलिटी मेरे प्यार में मेरे साथ प्यार करती है, ये मेरे साथ अटैच है। चौथे नंबर पर है सोमैटिक डिल्यूजन। सोमैटिक डिल्यूजन बॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें पर्सन बॉडी से रिलेटेड डिल्यूजन होता है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ और मैं बेड रेस्ट पर हूँ और मेरी बॉडी सही तरह काम नहीं कर रही। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी या डिल्यूजनल जेलेसी। इसमें पर्सन क्या करता है, परसीव करता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे साथ अनफेथफुल है, मुझे चीट कर रहा है और मुझे प्यार नहीं करता। छठे नंबर पर है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें पर्सन क्या कहता है, कि मैं बहुत खास पर्सनैलिटी हूँ, ठीक है, और इसके साथ वो मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो लोगों तक पहुँचता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।